हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ब्यूटीफुल फॉल्स सीलिंग के डिजाइन देख रहे हैं, जो कि एक लेटेस्ट डिजाइन के साथ आते हैं। इस पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छा से अच्छा डिजाइन अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आती है या आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो जब भी हम फॉल सीलिंग बिठाते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स का ध्यान देना होता है, जिसे कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनमें से एक है फॉल्स सीलिंग। जब भी हम फॉल्स सीलिंग कराते हैं तभी हमारा घर दिखने में बहुत अच्छा खूबसूरत लगने लगता है। इसमें से हम जब लाइटिंग लगाते हैं तो एक स्टेप जाके और भी एकदम बढ़िया दिखने लगता है लेकिन इसमें फॉल्स सीलिंग्स में हम जानते हैं कि कई सारे टाइप्स आते हैं। उसमें है POP फॉल्स सीलिंग, PVC फॉल्स सीलिंग, तीसरा है जिप्सम फॉल्स सीलिंग, चौथा है फाइबर ग्लास फॉल सीलिंग और मेटल फॉल सीलिंग। इतने सारे फॉल सीलिंग्स के टाइप्स में ये सभी पॉपुलर्स है, लेकिन इसमें से तीन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि है POP फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग और PVC फॉल सीलिंग। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो कि जिप्सम फॉल सीलिंग के रेट के बारे में जानेंगे, कितना खर्चा आता है, क्या मेटेरियल्स प्राइस है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलर अभी ज़्यादातर आपके घर देखेंगे जिप्सम फॉल सीलिंग जो है पॉपुलर है, सभी के घर में आपको ज़्यादातर यही देखने मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छा डिज़ाइन अपलोड किया है और इसके रेट के बारे में जानेंगे। जैसे कि मेन खर्चा जो आता है वो मटेरियल का आता है। जैसे मटेरियल जो है अगर आपको 60% पड़ता है तो उसमें लेबर कॉस्ट 40% जाता है। तो अगर समझो, मैंने इसलिए बताया कि मटेरियल का 60%, कई कई लोग होते हैं कि जैसे मटेरियल्स वो खुद लाके देते हैं ओनर और फिर कारीगर को बोलते हैं बनाने के लिए, तो उसमें कारीगर का जो है सिर्फ लेबर कॉस्ट जाता है। तो हम ये जानेंगे कि मटेरियल्स का कितना एक्चुअली कॉस्ट आता है। तो उसमें 60% मटेरियल्स, 40% जो होता है वो लेबर कॉस्ट होता है। तो और जो मटेरियल्स में है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिप्सम बोर्ड। तो जिप्सम बोर्ड का जो है खर्चा जो है 45 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है सिर्फ मटेरियल का। तो उसमें और कुछ सामान लगते हैं जैसे स्ट्रक्चर्स, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी लगते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, स्क्रूज हो गया। प्लाईवुड वगैरह ये सब लगते हैं, तो उसमें जो भी है एक्स्ट्रा खर्चा, तो टोटल पकड़ के आपका 60 रुपीज तक जाते हैं फिर पर स्क्वायर फीट। और फिर उसी के अंदर जो है लेबर कॉस्ट वो आपको एक 40% वो 40 रुपए मतलब पर स्क्वायर फीट का चार्जेस कर सकते हैं, 35 से 40 रुपीज। तो जैसे फिर हम टोटल सब पकड़ेंगे तो उसमें जो है पर स्क्वायर फीट का 95 से 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा आएगा। तो जैसे समझो अगर 10 बाय 10 का घर है तो 10 बाय 10 इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। तो 100 × जो हमने पकड़ा है 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट का, तो आप 9,500 जो है वो 10 बाय 10 रूम का जो बनाने का खर्चा आएगा। या किसी किसी का हॉल जो है बड़ा रहता है 10 बाय 15 15 बाय 15, तो अगर समझो 15 बाय 15 का हमें काम करवाना है तो 15 × 15 इक्वल टू 225 स्क्वायर फीट का होता हॉल। तो 225 स्क्वायर फीट × 95 रुपीस, तो लगभग 21,000-22,000 तक खर्चा आएगा आपके हॉल के लिए। तो आप मिनिमम एक 22,000 बजट पकड़ के चलिए।
तो फ्रेंड्स, जब भी आप फॉल सीलिंग वगैरह कराते हैं तो दो तीन पॉइंट्स का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप किसी से, आप कार्य वेंडर से आप बनवाते हैं, तो आप मार्केट में दो तीन जन से वेंडर से आप कोटेशन मंगाइए कि कितना खर्चा होगा, क्या है, ताकि एक आइडिया मिल सके आपको कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेबर कॉस्ट क्या चल रहा है। अगर आप विथ मटेरियल के साथ उनको दे रहे हो तो वो भी आप पूरा उनसे पूछ के लीजिए कि कितना उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, तो ताकि आइडिया आपको मिल सके कि बाद में ये ना हो कि आपको लगे कि इसने ज़्यादा पैसा ले लिया। तो आप दो तीन जन से पूछेंगे वेंडर से तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना इतना मिनिमम खर्चा है। और दूसरा एक बेनिफिट है कि आपको उसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे। उसमें से अगर कोई आपको लग रहा है ठेकेदार ये सही है, इसका प्राइस भी रिजनेबल है और आपको लग रहा है कि काम भी बराबर करके देगा अच्छा से क्वालिटी में, तो आप उनके साथ बैठ के आप बात कर सकते हो रेट वगैरह। तो क्या है, उसको आप पूछ सकते हो कि प्राइस ये है और मैंने दूसरे जगह भी पूछा है तो थोड़ा वो लोग कम में कर रहे, तो सामने वाला जो ठेकेदार है वो भी सोचेगा कि इनके पास तो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो फिर वो भी नेगोशिएशन करना चालू करेंगे। तो उसमें क्या, आप अपने हिसाब से आप नेगोशिएशन करके आपके अकॉर्डिंग ही आप प्राइस उसमें फिट कर सकते हो आपके बजट में। अगर आप विदाउट मटेरियल का खाली लेबर के साथ आप काम करवाना चाहते हो तो ये भी उनको बोल के रखिए कि मुझे सिर्फ मटेरियल मैं ला के दूंगा और जो भी आपका लेबर कॉस्ट वगैरह आप करेगा। तो लेबर कॉस्ट के लिए तो मैंने बताया कि ये लोग पर स्क्वायर फीट 40 रुपए कुछ चार्ज करते हैं। अभी आपके एरिया के ऊपर डिपेंड भी होता है। यहाँ पे हमारे इधर जो है 40 रुपीस पर स्क्वायर फीट का चार्जेस लगते हैं, और अगर आप मटेरियल के साथ दोगे तो फिर 95-100 रुपीस पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छे डिजाइन अपलोड किया ताकि एक आइडिया मिल सके आपको। अगर इसमें कोई डिजाइन पसंद आता है तो आप अपने ठेकेदार को बता सकते हैं इस तरह का डिजाइन चाहिए। इसमें जितना भी है ऑलमोस्ट 90 रुपीज से लेके 110 रुपीज तक पर स्क्वायर फीट वाला मैंने फिट किया है, वो डिजाइन के ऊपर है लेकिन 120 के ऊपर नहीं जाता है। और जो मोस्टली इसमें डिजाइन है वो 95-100 रुपीज पर स्क्वायर फीट वाला है जो ज्यादातर है। इसमें एक 5-10 डिजाइन ऐसे जो थोड़ा 100 रुपए के ऊपर है, 105 तक। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।